जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड कार्यालय में 3 दिनों से कामकाज पूरी तरह ठप है। ऐसा नहीं है कि रतनी प्रखंड कार्यालय में अधिकारी या कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, बल्कि भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों को बाहर निकालकर कार्यालय में तालाबंदी कर दी है और कार्यालय का घेराव कर मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। वीडियो सीओ और कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर धरना दे रहे माले कार्यकर्ताओं का यह तीसरा दिन है। भाकपा माले के कार्यकर्ता 2 प्रमुख मुद्दे को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं। नौवा गांव में बिजली की आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करने और इंदिरा आवास के आखिरी किस्त के रुपए का भुगतान करने की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने रतनी प्रखंड कार्यालय में कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया है। इतना ही नहीं, कार्यालय परिसर को मवेशियों का तबेला बना दिया गया है। माले कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब जनता का काम ही नहीं होता तो कार्यालय चलाने का क्या औचित्य है। यहां सवाल है कि 3 दिनों से आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, कार्यालय में ताला जड़कर अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इस गंभीर मामले का हल निकालने की फिक्र जिला प्रशासन को नहीं है। इधर रतनी प्रखंड के बीडीओ और सीओ बेचारे बने हुए हैं और माले कार्यकर्ता अपने जुझारू आंदोलन पर कायम है। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। आज हम लोग ब्लॉक में यही किए हैं कि गरीब, यहाँ के गरीब मजदूर किसान को ब्लॉक में जो काम नहीं हो रहा, तो ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी हैं सारे लोगों को हटा दिए हैं और जो है बैल हमारा है, बकरी है, इस बकरी और बैल जो है सिकी रहेगा। क्योंकि यहाँ ब्लॉक में ठेकेदार और बिचौलिया, यहाँ सामंतों का काम होता है, गरीबों को काम नहीं होता है, किसानों का काम नहीं होता है। जब तक यहाँ गरीब कमजोर वर्ग को काम नहीं होगा ब्लॉक में, हम ब्लॉक जो है नहीं चलने देंगे। इस ब्लॉक में कल से शुगर आवेगा और शुगर का जो है बखोर यहाँ बना देंगे। जानवर रखने का मकसद जो है गरीबों को काम जो है नहीं होगा, जानवर का अड्डा बना दीजिए। ब्लॉक का अड्डा जो है नहीं है, बिचौलिया का अड्डा नहीं है, ठेकेदारों का अड्डा नहीं है, सामंतों का अड्डा नहीं है, ये विकास का अड्डा है। विकास होनी चाहिए ब्लॉक के अंदर। नौवा में जो है ब्लॉक में तो इतना जो है भ्रष्टाचार जो है कि सीमा एकदम लांग चुका है। वीडियो यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो पैसा जो है कि ठेकेदार के माध्यम से पैसा जो है देता है, उसका काम होता है, यहाँ के किसान, यहाँ के मेहनत कश मजदूर को एक भी काम नहीं होता है। अभी तक तो हम लोग ताला खुलवाने का प्रयास किए हैं जी। इन लोग का मुख्य डिमांड है ये इलेक्ट्रिक का जी, कि ट्रांसफार्मर उन लोग के गाँव में गिरना चाहिए, तभी हम लोग प्रशासनिक में हम लोग तो बातचीत किए कि जो मेरे भी बात अच्छी सब को पूरा कर, लेकिन हम लोग मानने के लिए नहीं तैयार। क्या इस पहल पे बातचीत हुई है उन लोगों को? अभी भी सुबह सुबह भी बात हुई है, जब हम लोग आए हैं ब्लॉक लोग मानने नहीं रहना चाहिए। जब ये लोग ला रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल डिपार्टमेंटल बातचीत करेंगे ना, तो हमने इसकी खबर किया है।